गाइस, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कई तरह के जानवर देखे होंगे, मगर इस वीडियो में जिन जानवरों से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, उन्हें देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। डर से नहीं, बल्कि उनकी बनावट को देखकर। इन्हें देखना सबको नसीब नहीं होता, इसलिए दिल थाम के बैठिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा जानवर है, तो आप कहेंगे जिराफे। और अगर मैं पूछूं कि अब ये कौन सा जानवर है, तो आप कहेंगे जिब्रा। हालांकि दोनों ही सही है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इन दोनों जानवरों को मिलाकर कौन सा जानवर बनता है, तो आप क्या कहेंगे? वैसे मैं आपको बता दूं कि इस जानवर का नाम है ओकापी। और अगर आप इस जानवर को देखना चाहते हैं, तो आपको मध्य अफ्रीका जाना होगा। गाइस, पहले तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस ब्रांड के जूते पहनते हैं, क्योंकि क्या पता आपके जूते इस पक्षी के चोंच जैसे हो। अब गाइस, इसका नाम आप ये दोनों फोटो देखकर जानने की कोशिश कीजिए। इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जवाब है शूबिल। गाइज, आपने क्या सोचा था, कमेंट करके जरूर बताएं। गाइज, अब मैं आपको जिस जीव के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। तो इस वीडियो को दिल दिमाग खोल कर देखिए। गाइज, इस सांप का नाम है द बुश वाइपर। और आपको इस सांप को देखना है, तो आपको अफ्रीका के ट्रॉपिकल जंगलों में जाना होगा, और वो भी आधी रात में। और अगर आपका सामना इस सांप से हुआ, तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। गाइस, इस जानवर को तो आप जानते ही होंगे, जिसे पांडा कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी चींटी पर पांडा के कलर्स आ जाएं, तो उसे क्या कहेंगे, पांडा या एंट? जैसे दोनों मिलकर बन रहे हैं, वैसे ही इनका नाम भी मिलना चाहिए, जिस वजह से इसका नाम होगा पांडा एंट। इन्हें देखने के लिए आपको चील में जाना होगा, लेकिन जरा सावधान रहें, क्योंकि इनके रेशे काफी नुकीले होते हैं। गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एक मछली का नाम बताइए जो समुद्र में रहती है मगर तैरना नहीं जानती, अगर वो जानती भी होगी तो भी तैर नहीं सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सी मछली है। उस मछली का नाम बताने से पहले इस मछली को देखिए। गाइस, भले ही आप इस मछली का नाम ना बता पाए, लेकिन एक चीज आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये एक मेल फिश है या फीमेल फिश। कॉमन सी बात है, आजकल की दुनिया में इतनी लिपस्टिक कौन लगाता है? ऑफ कोर्स फीमेल ही लगाती है। इस मछली ने लिपस्टिक लगाया नहीं है, बल्कि नेचुरल है, तो ये फीमेल हुई। और इस मछली का नाम है द रेड लिप बैट फिश, जो कि कुछ हद तक बैट की तरह दिखती है। बैट यानी खेलने वाला नहीं, बल्कि चमगादड़ जैसी दिखती है। इस मछली को देखने के लिए आपको गैलापागोस आइलैंड जाना होगा। गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सबकी बजाते रहिए।